सभी हमारे भाई एवं बहने तथा सभी पार्टी के पदाधिकारी, भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी, वाम सेफ के साथियों, अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं द्वारा लगातार के विचार सुने और मैं उन विचारों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अपनी बात में संक्षेप में कहूँगा क्योंकि संचालक महोदय ने बहुत बड़ा समय दिया है और संचालक महोदय समय ने निवेदन किया था, आधा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया, आधे को अस्वीकार कर दिया। जो स्वीकार करने योग्य था उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जो स्वीकार करने योग्य नहीं था उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने मैं एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक और उस कॉलेज में मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ, ये मिशन की नर्सरी तैयार। उस नर्सरी से मैं एक पौधा है और उस पौधे को मैंने कहा था भाई इसके अर्पण करवा दूँ, कुछ दो एक शब्द करवा दूँ, लेकिन आपने हमारा जो है निवेदन स्वीकार नहीं किया। तो अमन कुमार है लेकिन उसको मूवी मौका तो मिल गया। बच्चों को सबसे पहले मौका देना चाहिए भाई, छोटा सा बच्चा है जरा जरा आओ, अब हम पहले तुमको मौका देंगे ठीक होंगे। ये अमन कुमार है, बच्चा ग्यारह के छात्र है और मिशन से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे विचार हैं। पहले इसके विचार सुन लीजिए आप लोग, फिर हम बोलेंगे। आप सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भूम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी। आज हमारे समाज में जिनमें पेरियार ललित यादव एवं डॉक्टर आदि संघ के संस्थापक डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी की जन्म जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पेरियार ललित यादव जो कि उनका जन्म 1 सितंबर 1948 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात कठारा गाँव निजक में हुआ था। आज हमारे महापुरुषों का इतिहास उनको छुपाया गया। बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसीलिए सभी भाइयों और बहनों को अपने महापुरुषों का इतिहास जानना चाहिए और सबसे पहले संविधान को पढ़ना चाहिए।